अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ़ज़ल टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं KCL एंड KVL के बारे में कुछ चीज़ें। KCL होता है किरचॉफ करंट लॉ या रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या रूल। जो करंट रूल है वो ये कहता है कि द टोटल करंट एंटरिंग इन अ नोड, नोड बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत सारे वायर्स आके ज्वाइन हो जाते हैं, एंटरिंग इन अ नोड इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द नोड। यानी कि सिम्बॉलिक लैंग्वेज में लिखें तो टोटल करंट एंटर इज इक्वल टू टोटल करंट एग्जिट या आउटपुट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से बना देंगे, भी ये आपके पास एक नोड है जिसमें कुछ चार वायर्स हैं जो कि आ रहे हैं। अब इसमें से जो है 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, यहाँ पे जो है वो 2 एम्पेयर जा रहा है, यहाँ पे 5 एम्पेयर जा रहा है, यहाँ का करंट आपने निकालना है। तो अगर आप देखें तो इस नोड पे ये करंट अप्रोच कर रहा है, बाकी सारे के सारे लीव कर रहे हैं। तो आपने देखा सम ऑफ करंट एंटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट आउट। जो करंट एंटर हो रहा है वो है 10, जो आउट हो रहे हैं वो कौन से हैं, वो है 2 + 5 + i। तो 2 + 5 = 7, 7 को आपने 10 से माइनस कर दिया तो जो करंट लीव कर रहा है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब आपका सम जो है वो इनपुट वाले करंट के बराबर होगा। तो इसे कहते हैं KCL, जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है। और जो KVL होता है वो क्या कहता है कि भाई दी टोटल वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ अ सर्किट इज ज़ीरो। अब ये इतना हम यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम इसको यूज़ करें तो इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिंपल सा सर्किट है, उस पर एक बैटरी लगी हुई है और उसी कुछ रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज है भाई वो है 10 वोल्ट्स, ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। और लेट सपोज यहाँ पर जो रेजिस्टर लगा हुआ, ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर भी 10 वोल्ट ही ड्रॉप होना है। अब हम करंट की डायरेक्शन अज्यूम करते हैं, लेट सपोज हमने करंट को इस तरह से फ्लो करवाया, भाई करंट है हमारा, तो अभी जो करंट जहाँ जहाँ से गुजरेगा हम उसका वोल्टेज जो है वो प्लॉट कर देते हैं। तो ये कहता है कि सारा वोल्टेज का सम जीरो के बराबर आएगा, आए देखते हैं। तो जब ये करंट यहाँ से गुजरेगा तो उसका वोल्टेज कितना आ रहा है, 10। जब ये करंट यहाँ से एंटर होगा तो ये नेगेटिव साइड से एंटर होगा तो वोल्टेज कितना आएगा, -10। आंसर क्या आ जाएगा, 0। और बिल्कुल सही हुआ, ऐसा होता है। बाकी इसी तरीके से हम जो हैं अक्सर ये वाला जो रूल है तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी सर्किट का करंट निकालना होता है। वैसे तो हम डायरेक्टली इक्विवेलेंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन नॉर्मली ये ऐसे सॉल्व किया जाता है ताकि हम इससे करंट निकाल सकें। तो हमने एक डायरेक्शन करंट की अज्यूम कर ली और हमने यहाँ पे लिखा भी सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू 0। अब देखें ये वोल्टेज नेगेटिव साइड से आ रहा था, यह आ गया -10+। अब ये करंट जब इससे गुजरेगा तो उसकी रेजिस्टेंस और ये करंट मिलकर वोल्टेज बनाएंगे, V इज इक्वल टू IR होता है। तो I करंट कितना है, I रेजिस्टेंस कितनी है, 2। फिर इससे गुजरेगा तो करंट कितना है, I रेजिस्टेंस कितनी है, 4 इज इक्वल टू 0। 10 को उस तरफ ले जाएँ तो ये बन जाएगा 2i 4i, यानी कि 6i इज़ इक्वल्स टू 10। आई निकालेंगे तो बराबर जाएगा 10/6, यानी कि 5/3 के एम्पियर्स। तो इस तरीके से हम जो है इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये होता है बेसिकल ओवरव्यू बच्चों किसका, KCL और KVL का। थैंक यू वेरी मच।